भारत भारत देश जो है हमारा, इसमें गुरु की महिमा बहुत गाई गई है। आप किसी भी धार्मिक पुस्तक को उठाकर देखिए, गुरु 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 के बगैर गति नहीं, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं, गुरु के बगैर समझ नहीं, बहुत गुरु की महिमा है। मैं एक दिन बैठा था तो एक कथा सुनी मैंने मोबाइल के ऊपर कि नारद मुनि जो थे वो सभी देवताओं को चरण स्पर्श करने के लिए जाया करते थे। नारद मुनि कभी इंद्र के जाना, कभी विष्णु के जाना, कभी ब्रह्मा के जाना, होगा सतलोक कहीं ऊपर होगा, मुझे तो पता नहीं होगा, लेकिन लिख ऐसा कहानी है। तो एक दिन वो विष्णु भगवान के दरबार से जब उठकर गए तो विष्णु महाराज के दरबारियों ने जहाँ नारद मुनि बैठे थे उन पर पोचा लगाया, साफ किया, साफ किया। तो नारद मुनि ने देखा कि मैं उठकर गया हूँ, वहाँ की जगह की सफाई की गई, क्या कारण होगा, चलो कुछ हो गया होगा। फिर इंद्र के गया, वहाँ भी जहाँ से उठकर गया तो उसकी सफाई की गई। कुछ दिन बाद फिर विष्णु भगवान के गया तो ऐसे ही फिर जब वो उठा चलने लगा तो सफाई की गई। वो विष्णु भगवान के हाजिर हो गया, कहते महाराज मैं जहां बैठता हूं मेरे जाने के बाद यहां पोचा क्यों लगाया जाता है, साफ क्यों किया जाता है। कहते विष्णु भगवान ने कहा नारद मुनि तेरा गुरु कोई नहीं है, तू निगुरा है, इसलिए जहां तू बैठता है वो जगह गंदी हो जाती है, तू बिना गुरु के घूम रहा है। नारद मुनि ठंडा हो गया, मेरा इतना नाम है, दुनिया मेरे को ऐसे जानती है, मेरे को ऐसा महाराज ने कहा। कहता महाराज बताओ मैं किसको गुरु बनाऊं, आपको बना लूं। कहते हम नहीं किसी के गुरु बनते, मुझे हुक्म करो मैं क्या करूं। कहते मात लोग में जाओ, इस धरती पर आओ, ये मृत्यु लोग है, मात लोग है, वहां सुबह सुबह जो भी तुम्हें मिले उसको अपना गुरु बना लेना। तो वो आ गए, सुबह किसी शहर में उतरे तो देखा वहां भंगी सड़क साफ कर रहा है। तो दिल में ख्याल आया कि महाराज ने कहा विष्णु भगवान ने कि जो सुबह तुम्हें मिले उसे कोई गुरु बनाना है, ये तो भंगी मिल गया, अब मैं क्या करूं, दुविधा पैदा हो गई। तो प्रार्थना की खड़े होकर महाराज हुक्म करो। कहते पांव पकड़ ले यही तेरा गुरु है, और भंगी उनका गुरु बना। नाम नहीं बताया कौन था, वो होगा जरूर। भगवान राम को देखिए उनके गुरु, भगवान कृष्ण को देखिए उनके गुरु, किसी भी आप संत को देखो बगैर गुरु के कोई नहीं हुआ। लेकिन आज हमारा सनातन धर्म कितना गिर गया है कि हमने गुरु परंपरा को ही भूल गया है, और गुरु परंपरा को भूलने के बाद हमारे देश का क्या हाल हो रहा है दर्दनाक है, और हम कहाँ भटक रहे हैं, और भटकते भटकते अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, हमें जीने का राज ही नहीं मिल रहा, कैसे जीना है, क्या ख्याल करना है, क्या नहीं ख्याल करना। मैं आज आपको इस कलयुग में जो कबीर साहब ने वाणी लिखी हुई सुनाता हूँ। इसमें आज क्या हो रहा है, सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर चला गया, कलयुग में स्वामी जी महाराज ने एक विचार किया, उन्होंने भक्ति की 6 साल की उम्र से लेकर, और फिर उन्होंने नारा लगाया। इसमें कोई शक नहीं कि उनसे पहले कबीर साहब भी हुए, गुरु नानक साहब हुए, अनेक महापुरुष आए, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा, लेकिन हमने नहीं माना, हमने माना ही नहीं है। किसी भी गुरु के वाणी को हमने अपने जीवन में नहीं उतारा, बस एक भेड़ चाल बन गए। भेड़ चाल, भेड़ चाल जानते हो, मैं जब 12वीं क्लास में पढ़ता था तो हमारे पढ़ाते पढ़ाते भेड़ चाल का शब्द आ गया क्लास, उसमें लाइन में आ गया।
तो मैंने खड़े होकर पूछा अपने सर से, सर ये भेड़चाल क्या होती है? कहते बेटे आपको नहीं पता? मैं कि नहीं सर हमें भेड़चाल नहीं पता। कहते भेड़ों को देखा आपने? मैं कह जी बकरियां देखी, भेड़े नहीं देखी, बकरियां तो हैं। अच्छा सुनो, कहते जब भेड़ों का झुंड आ रहा हो तो आप कोई डंडा या रस्सी लेकर ऐसे बैठ जाओ दोनों तरफ से, उधर फल ले उधर पकड़ ले, तो भेड़ आएगी वो रस्सी देखेगी, रस्सी देकर इधर उधर देखेगी, फिर पीछे हटके छलांग मंगा के रस्सी को पार कर जाएगी, फिर एक जाएगी, फिर दो चले जाएंगी, फिर तीन चले गई, चार चले गई, रस्सी के ऊपर से ही छलांग लगा के चली जाएंगी, फिर आप रस्सी हटा दो, वो बाकी सारी भेड़े जितनी होंगी वो रस्सी वहां जो जगह थी वहां से छलांग लगाकर ही जाएंगी। इसको कहते हैं भेड़ चाल। जो एक ने किया दूसरे ने भी वोही, तीसरे ने भी वोही, चौथे ने भी वोही। तो हमारा आज का गुरु इस्लाम क्या हो गया? भेड़ चाल हो गया। इधर चलो उधर चलो, वहां बहुत है, वहां ऐसा है, वहां किसी को शरीयत का पता ही कुछ नहीं। कोई मंदिरों की ओर भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। सभी मन के मारे हुए हैं हम। और यही बात कबीर साहब कहते हैं, पढ़ो ये शब्द आपको सुनाता हूं, बात सुनाओ। मालके कुल महर्षि कबीर साहब की शब्दावली दूसरा भाग। अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। अब एक बात कह दी कबीर साहब ने, वो मालिक परम तत्व सर्वाधार जिसको अकाल पुरुष कहा गया है, उसको किसी ने नहीं बनाया, वो स्वयं भू है, वो स्वयं अपने आप में है, उसको बनाने वाला कोई नहीं है, वो अनघड़िया है। बाबा फकीर जी महाराज फरमाया करते थे, मैं भी घड़िया गया, मैं भी बनाया गया, दाता दयाल को भी बनाया गया, स्वामी जी महाराज को भी बनाया गया, कबीर को भी बनाया गया, हम सब बने हुए हैं ना, लेकिन उसको किसी ने नहीं बनाया। तो कबीर साहब कहते हैं ए स्वयंभू तुम्हें किसी ने नहीं बनाया और तेरी कोई भी पूजा नहीं करता है, तुझे कोई नहीं मानता है। किसको मानते हैं वो चलो आगे, हम किसको मानते हैं? उसको नहीं मानते जिसके हम अंश हैं, जिसके हम अंग हैं, जिससे हम आए हैं, उसको नहीं हम मानते। हम किसको मानते हैं वो सुनो आगे, किसको कहते हैं? अनगढ़िया कौन करे तेरी सेवा, गढ़े देव को सब कोई पूजे निति लावे देवा। वो कहते हैं जो घड़िया गया, मूर्ति बना दी, फोटो बना दी, उनको सभी पूजते हैं, खड़े देव कोई सब ही पूजे नित ही लाए मेवा। रोज चले गड़बिया पकड़ के, फूल चक्के हुआ, हार चक्के हुआ, लड्डू चक्के हुआ, फूल मनाते हैं, क्योंकि उसको हमने बनाया। और दुर्भाग्य ये है मेरे देश का, जिसको भगवान ने बनाया उससे नफरत, और जिसको खुद बनाया उसके आगे मत्था टेकते हैं। कैसे कल्याण होगा, कैसे देश का भला होगा, कैसे समाज ठीक करेगा, कैसे हमारे वैर विरोध खत्म होंगे? कभी हो नहीं सकते। कोई किसी तरफ दौड़ा हुआ है, कोई किसी तरफ दौड़ा हुआ है, कोई किसी तरफ दौड़ा हुआ है, देखकर आदमी हैरान हो जाता है कि इनको काल ने ऐसे पकड़ा हुआ है, काल ने पकड़ा हुआ है ना। अकाल को तो वो मानते नहीं है, काल में रहते हैं और काल के काबू में है, काल उनको नाच नचा रहा है, और मालिक जाने उनका अंत क्या होगा ये तो वो जाने। लेकिन ये कहते कबीर साहब कहते हैं कि आपकी कोई पूजा नहीं करता, लोगों ने अपने ही मन से
तेरा रूप बना लिया या अपने मन का रूप बना लिया, कोई देवी का बना लिया, कोई देवता का बना लिया, कोई कुछ बना लिया, कोई कुछ बना लिया, सब वही जाकर हर रोज मत्था भी टेकते हैं और अपनी मेवे भी चढ़ाते हैं, तुझे कोई नहीं मानता। एक अलग उलाना दिया मालिक को, एक एक तरह का उलाना दिया मालिक को के तेन कौन पूछदा, कोई नहीं पूछदा। बात समझ गया ना? आगे गढ़े देव को सब कोई पूजे, नित ही लावे सेवा, ब्रह्म अखंडित स्वामी, पूरन ब्रह्म अखंडित स्वामी, ताको न जाने देवा, अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। वो जो पूर्ण ब्रह्म है, अखंड है, मालिक अखंड है, वो एक है, उसको कोई नहीं मानता। पढ़ो फिर यही शब्द पढ़ो, पूरन ब्रह्म अखंडित स्वामी, ताको न जाने देवा। उनके उनके प्रति किसी की भावना नहीं है, कोई उसके प्रति प्यार नहीं रखता, कोई उसके प्रति श्रद्धा नहीं रखता, कोई उसके प्रति प्रेम नहीं करता। जो वो कौन है? वो अखंडित है, वो एक है, वो ही है जो कुछ है, उसके अलावा बाकी कुछ भी है नहीं। संतों ने उस उनके बारे में क्या कहा, संतों ने लिखा कि वो क्या है, वो भी सुन लो। बलहारी बलहारी कुदरत बस्या, ये गुरु सहमान की वाणी है, बलहारी कुदरत बस्या, तेरा अंत न जाए लिखिया, तेरा अंत नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि तू सारी कुदरत में तेरा ही तेरी ही शक्ति काम कर रही है, तू ही तू है, हर जगह पर तू ही तू है। तू इसका मतलब ये नहीं कि वो आ गया, बल्कि उसकी किरण है यहां, उसकी हस्ती है यहां, वो आप नहीं है। जैसे सूर्य यहां नहीं है, सूर्य तो यहां से करोड़ों क्या अरबों माइल दूर है, उसकी किरण है यहां। अगर मालिक सूर्य यहां आ जाए हम सब जल जाएंगे, अगर माल के कुल यहां आ जाए तो सब कुछ नाश हो जाएगा। वो नहीं, तेरी कुदरत यहां बस रही है, जहां देखता हूं उधर तू ही तू है। मेरी बात समझ रहे हो आप? उसकी कुदरत यहां है। परमदयाल जी महाराज ने फरमाया कि जितनी धरती है, बात को गौर से सुनना, जितनी धरती है इससे तीन गुना पानी है, जितना पानी है इससे तीन गुना अग्नि है, जिससे इतनी अग्नि है कि ब्रह्मांड में उससे तीन गुना हवा ज्यादा है, और जिस जितनी हवा है उससे तीन गुना आकाश है। अब आप अंदाजा लगा लो, गिनत करो, तुम नहीं गिन सकते कि जिसने ये सारा ब्रह्मांड बनाया है वो कितना बड़ा होगा, उसकी सीमा नहीं है। तू बेअंत है, बेअंत बेअंत बेअंत, यही गुरु साहबान ने कहा, तेरा अंत नहीं कोई भी जान सकता, लेकिन तू है, ये निश्चित है कि वो है, मगर हम उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं देते। मैं तो बड़े दावे से कहता हूं, शास्त्र कहते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में भी कहा गया है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मंड में है वो हमारे शरीर में भी है, ठीक है। ये ब्रह्मंड पांच तत्व का बना है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि आकाश है, सूरज है, हवा है, और ऊपर आकाश है, यही है ना पांच, इनका ही पांच बना है ना, और इन पांच तत्वों से हमारा शरीर बना है, ठीक है। अगर इस ब्रह्मांड को, इस ब्रह्मांड को, बात को पकड़ना, इस ब्रह्मांड को अगर कोई चलाने वाली हस्ती है, सूरज समय पर चढ़ता है, ऋतुआ बदलती हैं, फूल खिलते हैं, पशु पक्षियों को देखो, जीव जंतुओं को देखो, पेड़ पौधों को देखो, हर में तुम्हें देखने में कुछ नई चीज मिलेगी, तो किसने बनाई? किसी हस्ती ने बनाई ना,
ऐसे ही हमारे अंदर इस पांच तत्व के पुतले में भी कोई हस्ती है जो इसको चला रही है, मगर उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते ना। कोई अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करता, बाहर ही भागा हुआ है, क्योंकि उसके मन ने उसको विचलित किया हुआ है, क्योंकि उसकी आशाओं ने उसको मारा हुआ है, उसकी वासनाओं ने उसको घेरा हुआ है, उसको संसार की चिंताओं ने दबाया हुआ है, और वो चिंता को दूर करने के लिए कहीं धक्के खाता फिरता, कभी कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए बाबा फरीद ने बहुत बढ़िया कहा, बहुत बढ़िया कहा, फिक्र जगत को खा गया, फिक्र जगत का पीर, जिसने खाया फिक्र को ताका नाम फकीर। फकीर कोई चिंता नहीं करता है, दुनिया चिंता करती है, और उस चिंता को दूर करने के लिए कभी किसी संत के पास, कभी किसी साधु के पास, कभी किसी मंदिर में, कभी किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं कि नहीं जाते कि सारा चिंता दूर हो जाए, कोई नहीं कर सकता। ऐ इंसान, जब तक तू अपने आप को नहीं जान लेगा तब तक तेरी चिंता तेरा पीछा करेगी करेगी करेगी। इसलिए कह दिया कि तू पूर्ण है, तू पूरा अखंड है, तेरे लिए कोई भावना नहीं रखता, सब भटके हुए हैं। क्या जैसे मुझे अभी किसी ने कहा आशीर्वाद ले, आशीर्वाद काहे के लिए, किस चीज के लिए आशीर्वाद? क्या उसको मिलने के लिए आशीर्वाद? कोई मालिक को मिलने के लिए आशीर्वाद मांगता है? कोई नहीं मांगता कि मुझे वो रास्ता बता दूं, मैं इसे लिए आया हूं। मेरी बात समझ गए? सब दुनिया के पीछे। अरे दुनिया तो तुम्हें मिलेगी, लिखा ललाट टरे नहीं टारा, भावी को बेटनहारा। जो तुम्हें अलॉट हो गया, जो तुम्हें मिल गया, उसको दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। परमदयाल जी महाराज द्वारा बताई गई कहानी मुझे बार बार याद आती है। हजूर ने फरमाया, जब ये भारत और पाकिस्तान एक ही था, भारत बहुत बड़ा देश था, अलग हो गया, टूट गया, अफगानिस्तान अलग हो गया, काबुल कंधार अलग हो गया, और ये पाकिस्तान तो अभी हमारे देखते देखते अलग हुआ। तो वहाँ एक पीर का जगह है, किसी संत का मजार है, किसी संत की कब्र है, हमारे देश में भी है बहुत जगह। तो वहाँ साल में एक मेला लगता था, जैसे हम बैसाखी मनाते हैं, तो उस मेले में कभी वो आते थे कवाल, जो उस संत की स्तुति करते थे, उसके प्रति श्रद्धा प्रकट करते थे। तो बहुत लोग आते थे, दुनिया आती थी वहाँ, और वहाँ एक पीर बैठे थे जो उस जगह की सेवा करते थे। तो वहाँ एक लड़की ने उठकर कहा, महाराज मैं भी अपने श्रद्धा के सुमन भेंट करना चाहती हूँ। तो उस लड़की ने भी एक शब्द गाया, बहुत ऊंचे स्वर से गाया, बहुत श्रद्धा से गाया, प्रेम से गाया। तो वो पीर उठकर खड़ा हो गया, उसने कहा, बेटा आपने तो मुझे प्रसन्न कर दिया, मांगो क्या चाहती हो? उस लड़की ने कहा, महाराज पीर का दिया हुआ बहुत कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसे फिर कह दिया, बेटा मांगो, दूसरा वचन है मेरा, बाबा फकीर ने बताया था मुझे, यहाँ बताया हमें इस सत्संग में इसी जगह, मांग लो। दोबारा कहा, उसने फिर कहा, महाराज आपका दिया बहुत कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने तीसरी दफा फिर कह दिया कि जो तीसरा वचन है बेटी, बाद में पछताना नहीं। तो उसने कहा, पीर जी अगर आप इतना खुश हैं, प्रसन्न हैं, दयालु हैं, तो मुझे वो दे दीजिए जो मेरी किस्मत में नहीं है, और वक्त से पहले दे दीजिए, वो दे दीजिए जो मेरी किस्मत में नहीं है और वक्त से पहले दे दीजिए। तो हजूर ने फरमाया, वो महात्मा उठा और अपने कमरे में चला गया, कमरे में जाके उसने बैठ जाओ, बैठ जाओ, उसने अपना मुंह काला कर लिया और बाहर आ गया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहते, बेटी मैं अपने आप को भूल गया था,
कि मेरी ये ताकत नहीं है, ना मेरे में ताकत है तुम्हें देने की, ना बक्स से देने की। जो तेरी किस्मत में लिखा तुम्हें मिल गया, मैंने अहंकार में आकर आपको कह दिया, मुझे आपने माफ करना। बात समझ गए आपने? और यही बात तुलसीदास ने आपके लिखी है, लिखा ललाट टरेनी टारा भाभी को कोप निपट नहारा। यही बात श्री गुरु ग्रंथ साहब में बार बार लिखी गई है कि यो भाग में लिखा है वही मेरे, यहां तक लिख दिया कि सत्संग में भी वही जाएगा जिसके भाग में लिखा है, जो भी लिखा मैंने पढ़ा है। तो फिर किसके लिए रोना, क्यों रोना, क्यों दौड़ना, क्यों भटकना? अपने आप में क्यों नहीं विश्वास करते आप लोग? आप क्यों नहीं ठहर जाते? आप एक जगह क्यों नहीं रुक जाते? मैं तो कह दिया करता हूं कि जो कमल का फूल है वो खड़े पानी में ही पैदा होता है, चलते पानी में आपको कमल का फूल कहीं नहीं मिलेगा। चाहे वो पानी गंदा भी क्यों ना हो, फिर भी वही वो फूल खिल जाएगा। मगर आप में तो ठहराव है ही नहीं। और गुरबानी तो बार बार कहती है, फिर कर बैठो अर्जन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे काशवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पाज रखी करता रे। ये गुरबानी में लिखा है, फिर भी हम ठहर नहीं होते, फिर भी हम ठहरते नहीं है, भटके हुए हैं, मन के मारे हुए हैं। ए इंसान तू कुछ ना कर, अपने मन को समझने की कोशिश कर, इस मन की दौड़ को रोक जितना रोक सकता है। ये मन को, मन का सवार मत हो, मन को अपने अधीन कर ले, मन को अपने पीछे लगा ले। तेरे अंदर एक हस्ती बैठी है, उसको पहचानने की कोशिश कर, वहां मन नहीं है, वहां मन नहीं है। क्या कहा मैंने, पढ़ो आगे। दस अवतार निरंजन चाहिए सो अपनो ना होए, दस अवतार निरंजन चाहिए सो अपनो ना होए। दस अवतार माने गए हैं, दस अवतार। महाराज जी ने तो, परमदयाल जी महाराज ने तो कोई पर्दा ही नहीं रखा। दस अवतार तुम खुद हो, तुम नौ तब अवतार तुम खुद हो, मच्छ कश ब्रह बामन नरसिंह परशुराम कृष्ण राम फिर बुद्ध फिर कृष्ण, नौ अवतार। दसवां अभी आएगा, अभी दसवां कल की अवतार पैदा होगा। हम सभी इन नौ स्टेजेस में से आए हैं। अपने अपने आप को देखो, माँ के गर्भ में मच्छ के रूप में, बड़े कच्छ के रूप में, बड़ा छोटा बच्चा बन गया उल्टा, बामन बाहर आए, फिर नरसिंह बने दौड़ने लग गए, फिर परशुराम बने का ताकत बन गए, विद्यार्थी बन गए। क्या कहा मैंने, इसका एनालिसिस करो। वो वहां तुम रहे क्या, क्या कभी कभी मच्छ बने रहे? नहीं बने ना। तब्दीली आ रही है, एवोल्यूशन हो रहा है, चेंज आ रही है, तो इस चेंज के साथ चलना पड़ेगा। और कलयुग में चेंज क्या है, सतयुग में कोई भगवान की पूजा नहीं होती थी, सिंपल लोग होते थे, सिंपल बच्चा बचपन में सतयुग में होता है, वो राम नाम नहीं जपता, नहीं जपता। हाँ तुम लाइट ऑफ कर दो वो रोने लग जाएगा, क्योंकि लाइट से वो आया है, वो लाइट उसका जीवन है। जीवन जिंदगी क्या, लाइट है। हमारी जिंदगी क्या है, लाइट है। लेकिन हस्ती और है, जिसके सहारे में हाथ हिला रहा हूं वो हस्ती है, जिसके सहारे में बोल रहा हूं वो हस्ती है। जो जिंदगी है वो मेरे शरीर में प्रकाश के रूप में है, और उसके कारण मेरे शरीर में हरकत हो रही है, वो जिंदगी है। बात समझ रहे हो आप? बहुत ऊंची बात कर रहा हूं, पकड़ने की कोशिश करो। हस्ती मालके कुल की है, जिंदगी प्रकाश के पार ब्रह्म की है। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी ने कहा, शरीर सबल ब्रह्म है, सबल ठोस
ठोस चीजों से बना है, मन शुद्ध ब्रह्म है, अच्छे विचारों से बना था, लेकिन संस्कारों ने, हमारी आंखों ने, हमारे सुनने ने, हमारे खाने ने सब कुछ बदल दिया और मन का रूप भी बदल गया। बात का क्या कह रहा हूँ, ये था तो शुद्ध ब्रह्म लेकिन पूरा ब्रह्म बना हुआ है, जातियों में बट गया, धर्मों में बट गया, प्रदेशों में बट गया, काले कोरे में बट गया, हिंदू मुस्लिम में बन, क्या है? कुछ नहीं है। वास्तव में हम हैं क्या? क्या है हम? अपनी हस्ती को ही हम खो बैठे। और फिर हमारी आत्मा क्या है? पारब्रह्म, पारब्रह्म की अंश है। पारब्रह्म मीन विशाल सागर, किसका? प्रकाश का। और हम क्या हैं? हम शब्द ब्रह्म हैं, हम शब्द से आए हैं। उस शब्द कहाँ से पैदा हुआ? उस माल के कुल में हरकत हुई, उसमें शब्द पैदा हुआ। और इसलिए श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, शब्दो शब्द भया, आगे कुछ ऐसा शब्द है जो कुछ है शब्द का ही प्रसार है, शब्द के बगैर यहाँ कुछ भी नहीं है। बात समझ गए आप? तो इसलिए कहते हैं कि इन 10 अवतारों की बात न करना, ये सतयुग त्रेता द्वापर की बातें हैं, छोड़ो। कलयुग में केवल क्या है? कल केवल एक नाम आधारा। नाम किसका? कहां से मिलेगा? गुरु के पास जाकर मिलेगा। कलयुग में अगर कोई अवतार है, कलयुग में अगर कोई भगवान का रूप लेकर आया है तो वो गुरु है। इसलिए कहा गया है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। फिर आगे क्या कहा? गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, गुरु के मुख से जो वचन निकला वही मंत्र है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, किसका ध्यान करना? गुरु की मूर्ति का करना है। और पूजा मूलम, पूजा किसकी करनी है? गुरु पदम, गुरु के पदों की, गुरु के पैरों की पूजा करनी है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष हमारा तब होगा जब गुरु की कृपा हो जाएगी। अब मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने कह दिया कि गुरु के पैर ये नहीं है, इन्हीं को धो धो पिए जाओ, पीते हैं दुनिया करती है ऐसा खेल, वो बात नहीं है। गुरु के चरण आपके अंदर है, वो है प्रकाश और वो है शब्द, उसके आगे आप हैं। क्या कहा मैंने? इसलिए बात को पकड़ो, संत कुछ क्या कुछ कह गए और हम क्या कर रहे हैं, ऐसी जिंदगी के बारे में क्या कहा जाए। हम अपने इस बहुमूल्य जीवन को जिसकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल है और सबका सरताज है इंसान, इसको बर्बाद कर रहे हैं हम। इसलिए संत आते हैं हमें ये समझा रहे हैं कि ये करो। आगे दस अवतार निरंजन करिए सो अपनो ना होए, ये तो अपनी करनी भोगे, ये तो अपनी करनी भोगे, करता और न कोई, अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। अब मैं अगर सच्ची बात कहूं तो शायद आप लोग बुरा मानेंगे, हम जिनकी पूजा करते हैं उनका जीवन देखो, पहले उनका जीवन देखो, वो अपना कर्म नहीं भोग रहे क्या? उन्होंने अपना कर्म नहीं भोगा? भोगा तो जो जिनकी हम पूजा करते हैं उन्होंने अपना कर्म भोगा, तो क्या हम बच जाएंगे उनकी पूजा करने से? सवाल है, एक सवाल है कि हम जिनकी यहां अपने जीवन में पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, भोग लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, उनका अपना जीवन पहले देखो, जो लिखा गया है, लिखा हुआ है, क्या उन्होंने अपने जीवन का अपने कर्म नहीं भोगे? वो अपने कर्मों से नहीं बच सके तो हम क्या बच जाएंगे? कबीर साहब का एक शब्द है, कर्म गति टारे नहीं टरे, उन्होंने सबका वहां वर्णन कर दिया। क्या क्या राम जी हुए, क्या कृष्ण जी हुए, क्या
बड़े बड़े राजा हुए सबका जिक्र किया हुआ है उस शब्द में, मैं उस पर बोल चुका हूं। क्या कहा मैंने, उनका जीवन देखो, अगर वो अपने कर्म से नहीं बच सके तो क्या हम उनकी पूजा करके अपने कर्म से बच जाएंगे, ये सवाल है। इसलिए कबीर साहब ने जहां कह दिया, पढ़ो यही लाइन फिर, दस अवतार निरंजन कहिए सो अपनो ना होए, यह तो अपनी करनी भोगे करता और नहीं कोए, अपनी करनी भोग गए तो फिर कहां जाए, हम कहां जाए। आप ज्ञान को प्राप्त करो, गुरु की शरण में जाओ, ताकि तुम्हें पता लगे कि तुम हो कौन। कोई धर्म नहीं बताता कि तुम कौन हो, सब अपने अपने राग गा रहे हैं, कहते हम इधर आ जाओ, हमारे पास आओ तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे, हमारे पास आ जाओ तुम्हें अल्लाह के दर्शन हो जाएंगे, इधर आ जाओ तुम जन्म मरण से पार हो जाओगे। धर्म क्या है, धर्म है ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को पूरा करना ही धर्म है। बाकी जो संसार के धर्म है वो एक जीवन को गुजारने का ढंग है, मुसलमान भाइयों का अपना ढंग है, सनातन धर्मियों का अपना ढंग है, जैनियों का अपना ढंग है, आर्य समाजियों का अपना ढंग है, सबके अपने अपने ढंग है ना, आर्य ईसाइयों का अपना ढंग है, वो एक जीने का ढंग है, जीवन को गुजारने का ढंग है, लेकिन कोई आवागमन से पार नहीं कर सकता। आवागमन से पार तुम्हें कौन करेगा, वो ज्ञान है। किसका ज्ञान, अपने आप का ज्ञान, हु एम आई, मैं कौन हूं, वो पार करेगा तुम्हें, बाकी कुछ भी पार नहीं करेगा। और वो जो तुम हो, ना तुम शरीर हो, पहली बात तो ये है, ना तुम मन हो, सोचो विचार करो तुम क्या हो, तुम आत्मा भी नहीं हो, फिर विचार करो, फिर तुम्हें पता लगेगा ओह मैं तो कुछ और हूं। लेकिन रास्ता बड़ा टेढ़ा है, बंकनाल कहा इसको संतों ने, लेकिन जब गुरु की कृपा हो जाती है तो ये कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, गुरु की दया को प्राप्त करो। मैं तो ये समझा कि अगर गुरु मिला तो मांगो कुछ नहीं, गुरु को मांग लो बस सब कुछ मिल जाएगा। गुरु मिला तो कहा कमाना हो, फिर काहे लिए दौड़ना, कितने जाना, कहाँ जाना, क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए इनसे लागी ताई। अब वो आगे कहते हैं हमारे देश में तीन देवताओं की, तीन की थी पूजा, ब्रह्मा की तो कोई पूजा नहीं करता, ब्रह्मा का कहीं मंदिर नहीं है। एक मंदिर है वहां अजमेर में, पुष्कर मंदिर, क्या जगह का नाम है, पुष्कर मंदिर, पुष्कर, पुष्कर जगह है अजमेर में, तो वहां मैं गया, वहां एक तालाब है, उस वक्त वो भी सूखा हुआ था, पानी थोड़ा था उसमें, बहुत थोड़ा पानी था, और चारों तरफ गोबर फैला हुआ था, पशु आते पानी पीने के गोबर तो मैंने पूछा कि यहाँ ब्रह्मा का मंदिर है, चलो दर्शन कराएं। तो वहां एक पंडित जी बैठे, वह कबूतर बहुत, मैं कह पंडित जी सुना ये ब्रह्मा जी महाराज का मंदिर है, कहता बाबू जी यहाँ कोई नहीं आता, इसकी कोई पूजा नहीं करता। मैं कह क्या बात है, पता नहीं क्या बात है, दुनिया ब्रह्मा को नहीं मानती, अभी आप भी देख लो, शिव की पूजा है, और शिव की पूजा भी नहीं, शिवलिंग की पूजा है, शिव की भी कोई पूजा नहीं करता। क्या कहूं मैं आपको, सबसे बड़ी बात तो ये है, शिव की पूजा कोई नहीं करता, शिवलिंग की पूजा करते, दुख हुआ, कोई नहीं मानता ब्रह्मा को, जो सिर्फ दुनिया बनाता है, जो हमें पैदा करता है, हम कितने कृतघ्न हैं। तो नीचे उतरे, मेरे साथ 24-25 बच्चे थे, मैं कॉलेज में था तब, पार्टी लेकर गया था सैर करने तो हम वो पुष्कर का जो कहते वहां भी अमृत गिरा था,
कुंभ लगता वहां भी, तो हमने कहा चलो देख लेते हैं तालाब। तो पंडित जी दौड़े आए बड़े खुश कि मौजा लग गई है, भी पच्चीस दो दो रुपए भी देंगे तो मौजा लग जानी है। तो एकदम वो उसने नारियल पकड़ा हुआ और पानी में खड़ा हो गया, आओ जी आओ बच्चों पूजा करो, तुम्हारी पूजा करने के लिए मिल जाओ पी लेता। हंसी आ रही, तो सबसे पहले मैंने कहा बच्चों को, कहा बच्चों ठहरो तो मैं तमाशा दिखाता हूँ। मैं कहा पंडित जी आप ऐसा करो, आप पवित्र जल से बाहर आ जाओ। कहते क्या बात बाबू जी। मैं कहा पहले मैंने आपकी पूजा करनी है, आप ब्राह्मण है ना, पहले मैंने आपकी पूजा करनी है फिर हम आपने हमारी पूजा करनी है, नारियल दे दो। वो मेरी बात को समझ गया कि बाबूजी कुछ पढ़े लिखे लगते हैं, हम गुरु के बच्चे, हमें किसने ठगना। बाहर निकला, मैं क्या देखो पंडित जी आप इस पानी को पवित्र मानते हैं, मानते हो। कहते यहां भी अमृत गिरा, अब यहां इतना गोबर गिरा हुआ है, इसको तुमने साफ नहीं किया, तुम्हारी ड्यूटी नहीं बनती। जब बारिश पड़ेगी तो सारा गोबर पानी में नहीं जाएगा, तो तुम कहते हो ये बड़ा पवित्र है। कहाँ पवित्र है बोलिए मुझे, इसकी हाल देखिए पानी की क्या हाल है। और गालियां देता हुआ दौड़ गया। ऐसे कहाँ से आ गए, ऐसे बड़े बड़े शब्द बोलने लग गए। कोई बात नहीं तुम बोलते चले जाओ, ये हाल है हमारा, किसकी पूजा करें। यहां तो कह दिया कबीर ने, तो कह दिया ब्रह्मा विष्णु महेश इनका अपना ही कल्याण नहीं हुआ। पढ़ो लाइन, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए इनसे लागी काये। काई काई पता होती ढक लेती है पानी के ऊपर, काई आ जाए पानी नजर नहीं आता। ये तो खुद ही दबे हुए हैं, ड्यूटी लगी हुई है इनकी। और एक मेरा देश है सिर्फ, यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश माने जाते हैं, बाहर नहीं। वहां अंग्रेजी में तीन लाइनें हैं, तीन चीजें। इस ब्रह्मांड को चलाने वाली तीन शक्तियां हैं, देयर पावर्स, पावर्स ऑफ नेचर, कुदरत की। एक है इलेक्ट्रॉन जो पैदा करती है, एक है प्रोटॉन्स जो पैदा किए हुए की परवरिश करती है हस्ती, और एक है न्यूट्रॉन जो उस पैदा किए हुए सारे चीजों को नष्ट कर देता है। तीन चीजें यहाँ उत्पत्ति है, स्थिति है और प्रलय है, जन्म है, जीवन है, मृत्यु है। कोई भी चीज ले लो, वृक्ष ले लो, जानवर ले लो, पशु ले लो, पक्षी ले लो, जीव ले लो, जंतु ले लो, जड़ी ले लो, बूटी ले लो, सबके तीन स्टेजेस हैं। उत्पत्ति होती है, बढ़ती है और फिर नाश हो जाती है। अब किसकी पूजा करें, हमने रूप बना दिए, हमने रूप बना दिए और कई रूप बनाकर मांगते फिरते हैं। मेरी बात समझ गए, हमारा जो सनातन धर्म है वो सनातन धर्म रहा नहीं। सनातन का मतलब क्या है, प्रारंभ, शुरू, आदि। आदि में क्या है, वासना, ख्याल, विचार और कुछ नहीं। विचार पैदा हुआ भगवान के अंदर, एक ख्याल पैदा हुआ कहते हैं, उसने अपने रूप में एक इंसान को बना दिया, ऐसा लिखा है। हम उसको मानते हैं कि वो हमारा क्या था, मनु था जिसको पैदा किया, और उसकी पत्नी शत्रुपा थी, और अंग्रेज बोलते हैं कि वो एडम और ईव थे, और इधर मुसलमान भाई मानते हैं कि वो आदम और हव्वा थे। ये एक
परंपरा बनी हुई है कि हम वहां से चले, स्त्री और पुरुष से जैसा संसार चला हुआ है, एक प्रकृति है एक पुरुष है, तो किसकी पूजा करें? कबीर ने तो कह दिया वो तो खुद फंसे हुए हैं, उनका खुद कल्याण नहीं हुआ। और शास्त्र ऐसा कहती है कि देवी देवता भी तरस रहे हैं कि उनको इंसान का जन्मा मिले कल युग में, ताकि वो यहाँ आकर भक्ति करके इस जीवन से फ्री होकर अपने आप में वापस चले जाएं। लेकिन उनको जन्म नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनके सिर पे काई लगी हुई है, वो साफ नहीं है, वो ड्यूटी बाउंड है, उनको नहीं कल मिलेगी। समझ गए मेरी बात को? और वी आर ऑल्सो ड्यूटी बाउंड, हमने भी अगर अपना कर्म पूरा ना किया, कौन कौन सा कर्म, कुछ करनी, कुछ कर्मगत, कुछ पूर्व ले लेख। देखो भाग कबीर का लक्ष्य भया अलेख। कबीर साहब कहते हैं मैंने जो इस जन्म में कर्म किए वो भी भोग लिए, और पिछले जन्म के कर्मों को भी भोग कर मैं खाली होकर वापस जा रहा हूं। दाता दयाल जी महाराज मेरे सतगुरु बाबा फकीर के पास गिदड़वाह गए आखिरी समय में 1939 में, जब चोला छोड़ना शुरू से पहले की बात है। तो परमदयाल जी महाराज ने कहा दाता मुझे ऐसा महसूस होता है कि अब आप चोला छोड़ देंगे। गुरु प्रेम था ना दोनों का। तो दाता दयाल ने कहा बेटे फकीर तू सत्य कहता है, मेरे सब कर्म मैंने भोग लिए, मैं कर्मों से फ्री हो गया हूँ, अब मैं चला जाऊंगा, तेरे कर्म अभी रहते हैं, तुम भी उनको भोग लो। बात मेरी समझ ले? जब तक हमारे पूरे कर्म नष्ट नहीं हो जाएंगे हम आवागमन से नहीं बच सकते, और वो तभी होंगे जब हम मन से फ्री होंगे। जब तक मन में है तब तक हमारा निर्वाण नहीं होगा, तब तक हमारा मोक्ष नहीं होगा। इसलिए बैठो संत के पास, करो बात, सुनो उनकी बात, समझो, फिर उस पर चलो, और कुछ ना करो। किसकी पूजा, किसका पाठ, किसको याद करना, किसके लिए रोना, सोचो अपने आप को, वो तो तुम्हारे खट में बैठा है। ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूं। दाता दयाल महाराज ने बहुत बार गाया मैंने ये शब्द यहां, घट में दर्शन पाओगे संदेह इसमें कुछ नहीं, मैं तो हूं घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वही। अब बताइयो कहां जाना है? और गुरुवाणी क्या कहती है? मुझे वो कहते हैं अंदर का स्नान कर ले, अंदर का स्नान कर ले तो मैं वहीं में मिलूंगा। काहे रे बन खो जिन जाई, ये गुरुवाणी का शब्द है। सर्व निवासी सदन वेसर घट ही खोजो भाई, वो सर्व निवासी सदा जहां रहने वाला जो है वो तुम्हारे अपने घट में है, वहीं उसको खोजो। फिर वो कैसा है वो भी लिख दिया आगे, वो कैसा है? पुष्प मध्य जो वास वसत है, फूल में जैसे खुशबू, मुकर महे जो शाही, मुकर कहते हैं शीशे को, शीशे में जैसे तुम्हारा रूप, ऐसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो भाई। अब गुरु महाराज ने को कमी छोड़ी है, किसी महापुरुष ने को कमी छोड़ी है, लेकिन हम ऐसी औलाद हैं उनकी कि हम अपने गुरुओं की, अपने महापुरुषों की बात भी नहीं मानने को तैयार हैं। हम यही ठेकेदार बन गए, कोई गुरु बना बैठा है, कोई आचार्य बना बैठा है, कोई संत बना बैठा है, कोई डेरे का धाम बना बैठा है, और जनता बेचारी उनकी उंगली पर नाच रही है, नाच रही है। क्या करें, कहाँ जाएं, क्योंकि मन ने सबको मारा हुआ है, मन को किसी ने समझा ही नहीं है। इसलिए संतों ने कहा
मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। मन के पीछे मत चलो, सोचो यह ख्याल क्यों आया, किस लिए आया, क्यों आया, विचार करो उस मन के ख्याल के ऊपर, अपना चिंतन करो। तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने जहां तक कह दिया, कृष्ण भी तुम्हारे अंदर है और अर्जुन भी तुम्हारे ही अंदर है। जरा अंदर झांक के देखो, झांको अंदर, जाओ अंदर, बैठो, एक मिनट बैठो, दो मिनट बैठो, हर रोज थोड़ा थोड़ा बैठो। एक एक ड्रॉप अगर पानी का गिरता जाए, वो भी जमीन में जगह कर लेता है। और तुम भी अगर यहाँ चलोगे, यहाँ कोशिश करोगे, हर रोज कुदाली लगाओगे, हर रोज गुरु की बात पर चलोगे, तो धीरे 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 तुम्हारा अंतर का द्वार भी खुल जाएगा। और संतों कहते खटखटाओ, दरवाजा खटखटाओ, बार बार खटखटाओ, एक दिन जरूर खुलेगा। क्या कहा मैंने, आगे चलो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए इनसे लागी ताई, इन्हीं भरोसे मत कोई रहियो, इन्हीं भरोसे मत कोई रहियो, इन्हों मुक्ति न पाए। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश के भरोसे मत रहना, कैसी जाए मंदिर कर पूजा करे शिव जी भगवान की, जो उसकी पूजा करे जो उसकी भगवान, इनके भरोसे मत रहियो, इन्होंने मुक्ति पाई, पढ़ो यही लाइन दोबारा, इनकी मुक्ति नहीं हुई, पढ़ो। इन्हें भरोसे मत कोई रहियो, इन्हों मुक्ति न पाए। इन्होंने मुक्ति पाई तुम्हें क्या देंगे, अब सोचो विचार करो। है तो शब्द कड़वे बहुत ज्यादा, संतों के शब्द कड़वे होते हैं। अब मेरा गला थोड़ा थोड़ा खराब था, मुझे थोड़ी सी दवाई दे दी, कड़वी थी ना, लेकिन मैं ठीक हो गया। गला ठीक हो गया, कड़वी दवाई असर करती है और संतों की वाणी कड़वी होती है। अब कबीर साहब ने तो क्लियर कर दी बात को, लेकिन संतों की बात को सुना किसने। अनेक कबीर पंथी बन गए, कोई सत साहेब बन गया, कोई कबीर पंथी बन गया, जिनको कबीर की असलियत का कोई ज्ञान नहीं, उन्होंने बड़े बड़े अपने डेरे बना लिए। मुझे एक लड़का मिला, मैं वहां गया, हरियाणा में शेखपुर गांव है, वो मुझे अपने घर ले गया। कहता महाराज जी क्या करें, मैं कहा नाम लिया है, हाँ जी तुम्हारे गुरु कहाँ रहते हैं, जम्मू में, कहीं जम्मू में है कोई डेरा होगा, मुझे नहीं पता। कहता वो कहते हैं भाई जब आओ 2500 रुपया चढ़ाया करो, 2500 जब भी आओ। मैं कहा वो क्या करते हैं, वो कहते हैं मेरे इतने डेरे हैं, उनको चलाना नहीं है, डेरों के लिए पैसा चाहिए। अब बताओ तुम, जो डेरों में फंसा हुआ है वो तुम्हारा कैसे कल्याण करेगा, खुद सोचो। बदुओं को बदुआ मिले छोटन कौन अपाए, कर संगत निर्बंध की पल में दे छुड़ाए। जो खुद निर्बंध है, बाबा फकीर जी महाराज यहां कहा करते थे कि ये मंदिर बना के मैंने स्यापा गल पा लिया, मैं उनके दर्द को समझता था। और जब यहां से गए अमेरिका, मंदिर की तरफ देखा नहीं, मुड़के नहीं देखा, और कहा चमन को छोड़कर चले हैं, चाहे जहां उल्लू बोले जा कोई नाचे, हमें कोई क्या लेना मंदिर से। ऐसा होता है संत, ऐसा होता है, किसी को कुछ नहीं कहा और पीछे मुड़कर नहीं देखा, कोई बंधन नहीं, निर्बंध। मुझे ऐसे संत की संगत मिली है, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। एक निर्बंध पुरुष की मैंने संगत की और उन्होंने निर्बंध करके मुझे बैठा दिया। क्या कहा मैंने, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं मिलेगा और ज्ञान के बगैर गति नहीं होगी, सीधी बात है। कोई आशीर्वाद काम नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ कोई काम नहीं करेगी। हाँ
बात और सुना देता हूं। हमारे शरीर के चार भाग हैं, एक शरीर है, एक मन है, एक आत्मा है, एक इनसे ऊपर हस्ती है जिसको हम सुरत कहते हैं, कॉन्शियसनेस, होश। पंजाबी में होश है, अंग्रेजी में कॉन्शियसनेस है, और हिंदी में उसको चेतना कहते हैं, चेतन शक्ति है। वो माल के कुल की आंख है। सुनो, हम ध्यान से बात सुनना। शरीर से अगर कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, धूप जलाते हैं, योग जलाते हैं, तो वो शरीर से की है, शरीर से की है। तो शरीर की सीमा है, कहां तक है शरीर की सीमा? मंदिर के अंदर, मंदिर के अंदर ही है ना। तो तुम्हारा जिसकी पूजा करें वो भी मंदिर के अंदर है, तो वो आपकी आरती कहां तक जाएगी, तुम्हारी पूजा कहां तक रहेगी? सीमित रहेगी वहां तक ही। और हो सकता है उस पूजा से तुम्हारी कोई मनोकामना पूरी हो जाए, ये हो सकता है। और मनोकामना तो आपकी श्रद्धा ने करनी है, तुम्हारे विश्वास ने करनी है, मूर्ति ने तो कुछ नहीं करना, तुम्हारी आस्था ने करना है जो कुछ करना है, ठीक है। एक है मन से, आंखें बंद है, कोई काम नहीं हो रहा है, तुम सिमरन कर रहे हो, अंदर गुरु का ध्यान कर रहे हो, और गुरु का ध्यान जब वो बन जाएगा तो फिर वहां का है, जो जो मांगे सतगुरु अपने से सोई सोई देवे, तुम्हारे सभी काम अपने आप होते जाएंगे। मन की सीमा कहां तक है? गुरु के रूप तक। कहां? अंदर, बाहर नहीं, अंदर, वो तुम्हारा काम हो जाएगा। ये मन की सीमा है। आत्मा, आत्मा की सीमा क्या है? प्रकाश। जब आप प्रकाश में जाएंगे तो ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान जानते हो ना, प्रकाश में ज्ञान है ना। ये लाइटें सारी ऑफ कर दो, अंधेरा हो जाएगा, कुछ नजर नहीं आएगा, अंधकार। इसको कहते हैं महाशून्य। महाशून्य में क्या है? कुछ भी नहीं। तो किसकी प्रार्थना करोगे? तो भाई आगे जाना पड़ेगा प्रकाश में। प्रकाश में ज्ञान हो जाता है, अनुभव हो जाता है, विवेक मिल जाता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, यहाँ क्या रखा है, यहाँ क्या रखा है, यहाँ क्या रखा है, ये क्या है, ये जानवर है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये पौधे, ये सारा ज्ञान आपको मिल जाएगा, ठीक है। चार चीजें हो गई, तीन हो गई, चौथी चीज है हमारा अपना आप। तीन छोड़ चौथा पद दीना, सत नाम गुरु गुरु चीना। वो है हमारा असली घर, वो हम है, वो चेतना है। वहां जाकर तुम्हें अपना ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूं, फिर किससे मांगू, क्योंकि तुम वही हो जो माल के कुल है, तुम उसकी अंश बन जाते हो, तो फिर वो तुम्हारा कारोबार आप संभाल लेता है। तुम सतगुरु की गोद में चले गए, तुम मालिक की गोद में चले गए, ना तुम शरीर से कुछ मांगा, ना तुम मन से कुछ किया, ना तुम आत्मा से कुछ किया, तुम तो मालिक के कुल के दरबार में चले गए। जब पिता की गोद में चले गए तो फिर मांगने की जरूरत नहीं रहती है, वो तुम्हारी सुभाष सारी अपने आप करता है। बात मेरी समझ गए? बात बहुत ऊंची है सुनील, इसको पकड़ने की कोशिश करो। वहां जाओगे मांगना ही खत्म हो जाता है। और तुम मेरी मानो, मैंने अपने सतगुरु से कभी कुछ नहीं मांगा, और मैंने अपनी किताब में जो टाइटल दिया उसमें मैं क्या लिखा, उसका शीर्षक क्या लिखा, His grace is my fate। मेरे सतगुरु का आशीर्वाद, मेरे सतगुरु की दया ही मेरी किस्मत है। मेरी किस्मत किसने बनाई? मेरे गुरु के आशीर्वाद ने बनाई। और मेरी जिंदगी क्या? My life is His lap। मेरी जिंदगी मेरे गुरु की गोद है, मैं गुरु की गोद में रहता हूं। क्या कहा मैंने? जब मैं मन में आता हूं तो मुझसे भी कभी दफा गलती हो जाती, मैं आपको बता देता हूं, ये मन मुझे भी मारता है, कोई पिछले संस्कार होंगे, मन मुझे भी कई दफा घसीटता है, फिर मैं आंख खोल लेता हूं, ओ मन मेरे आ,
तू सदा रह हर नाल रह मन मेरा तेरा दुख सब बसारना अंगीकार करे तेरा कार्य सब सुवारना। तो फिर मैं जे गीत गा लेता हूँ तू क्यों मन मेरिया मैनू क्यों भटका रहा मन मेरिया तू मेरे दोस्त बन जा तू दयाल दा रूप बन जा तू मैनू ना भटका हूँ मैं जिथे लगा मैनू लगा रहन दे मेरी बात समझ गए। इसलिए मन को समझो मन से निकलो सुख मिलेगा आनंद मिलेगा जो चाहोगे मिलेगा वो मालिक देने वाला है। तुम उसके बनते ही नहीं हो तुम नहीं बनते उसके तुम तो दौड़े हुए हो छोटी छोटी चीजों के लिए। तुम उसके बन के देखो वहां तो लिख दिया गुरु साहबान ने जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा हो ला गल ही खत्म करते दुनिया तेरी फिर तू क्यों चिंता करता है क्या कहा मैंने। मगर हम वहां जाते नहीं है हम बाहरी आरती कर लेते हैं और वो गुरु और बंद कर देता उसे दरवाजा लाता चल तू इत्थे बैठ हुण असी अपने जो मर्जी करिए जो जो करना गुरु बैठा ब्यास तुसी जो मर्जी करो ओकरा देखदा गुरु मेरे संग सदा है नाले। जब ये विश्वास हो जाएगा कि गुरु मेरे साथ है हमेशा मेरे साथ है फिर तुम कैसे भटक सकते हो क्या कहा मैंने आगे पढ़ो। जोगी जति तपी सन्यासी आप आप में लड़िया पढ़ो यही लाइन। जोगी जति तपी सन्यासी आप आप में लड़िया जोगी जति तपी सन्यासी आप में लड़िया सारे लड़ दे आप वो कम के बल्ले पर एक दफा आया था कि जो नांगे दूसरे लग रहे लड़े बड़ी लड़ाई हुई उठे ठीक है पवित पाशिक जोगी ज्ञानी इन्हो मुक्ति न पाई ये उनका शब्द है स्वामी जी महाराज का। ये कौन है जो जो किसी अब हमारे देश के योगी क्या कर रहे हैं देख लो क्या है योगी योगी तो वो होता है जो संसार को त्याग देता है सन्यासी वो होता है जो संसार को त्याग देता है उसको संसार की कोई इच्छा नहीं होती। और मेरे देश के सन्यासी योगी देख लो क्या कर रहे हैं कहाँ गया योग सन्यास लड़ रहे हैं आपस में ही लड़ रहे हैं जोगी जति तपी सन्यासी आपस में ही लड़िया लड़ते हैं मैं बड़ा हूँ मेरा खाड़ा बड़ा है कुंभ में झगड़े नहीं होते कोई कहता मेरा खाड़ा यहाँ लगेगा कोई कहता यहाँ लगेगा कोई कहता यहाँ लगेगा तो वो कैसे आपस में लड़ रहे हैं वो किसके आगे सिर झुका है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है गुरु के सिवा जिसके आगे सिर झुकाया जाए। और मैं तो यहां कर कह देता हूं सिर को ऐसा बनाओ कि ये हर जगह मत झुके और एक जगह ऐसी बनाओ जहां हर सिर आकर झुके क्या कहा मैंने। और वो ही बड़ा है जिसमें तुम्हारा विश्वास है जिसमें तुम्हारी आस्था है जिससे तुम्हें ज्ञान मिला दुनिया नहीं दुनिया तो अपने आप आती है तुम्हारे पीछे क्या कहा मैंने। दुनिया की चीजें मांगने से कुछ नहीं मिलेगा डोंट बी द बैगर्स। परमदयाल जी महाराज कहा करते थे तुम तुम्हारे घर में भिखारी कोई आए मांगने तुम उसकी कितनी कदर करते हो एक रुपया दे दे चल 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 कितनी कदर करते हो भिखारी की। तो गुरु के दरबार में भिखारी नहीं बनना कुछ नहीं मांगो। मेरा तजुर्बा तो ये कहता है मैंने पिता से कुछ नहीं मांगा हालांकि गरीबी बहुत थी कभी नहीं कहा पिताजी कल मेरा पेपर है मेरे आशीर्वाद दो बारहवीं में पढ़ता था नेवर नेवर। पहले दिन ही मुझे विश्वास हो गया कि मेरा भगवान आ गया है ये मेरा मालिक आ गया है। 18 साल की उम्र में 1956 में जब उनके चरणों में सिर रख दिया उनका सिर मेरे हाथ आ गया मैं समझ गया कि बस मेरा दुनिया बन गई मेरा संसार बन गया मुझे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। आज 2022 जा रहा है अब भी मैं कुछ नहीं मांगता हूँ सबका भला मांगता हूँ जो जो तेरे दर में आए सुखी होकर जाए बस
ये मेरी मांग है और कोई मांग नहीं है। और पढ़ो आगे। जो जति तपि सन्यासी आप में लड़िया, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, शबद लखे सोई तरिया। कहते भाई तरेगा कौन, कौन तरेगा? पूजा पाठ करने वाला, जपी तपी, ब्रह्मा विष्णु महेश, नहीं, कौन तरेगा? शब्द लखे जो तरिया, जो गुरु के वचन पर चलता है वो तर जाता है। अब वचन तीन तरह के हैं। एक वचन सत्संग में होता है, जो सत्संग में सुना वह लिखा है, स्वामी जी महाराज लिखा है, दर्शन करे वचन पुन सुने, सुन सुन कर नित मन में कुने, गुन गुन कर ले तिस सार, कद सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भाव भय सब गए गवाई। एक वो जो सत्संग में शब्द हुआ, तुम्हें वचन सुने, उन पर बार बार विचार करो, विचार करके उनको अंदर उतारो, उतार कर अपने जीवन को अमली बनाओ, तुम्हें असलियत का पता लग जाएगा। एक दूसरा, तुम्हें अकेले में कोई शब्द महाराज कहता है, तुमने कोई सवाल किया अंदर का, तुम्हें गाइड किया कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे चलना, एक वो शब्द है। दो, तीसरा शब्द है जब तुम अभ्यास करते हो, अगर सिमरन करते हो, तुम्हारे अंदर तरह तरह के शब्द पैदा होते हैं, पर मेरे तो हुए नहीं, मुझे तो दाता ने सीधा ऊपर अपने सिर पर हाथ रखा, मैंने नहीं सुने, ना घंटे सुने, ना बासुरी सुनी, ना कुछ सुना, मुझे तो दाता ने, मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं कहने को, मैं अपने सदगुरु की महिमा नहीं गा सकता, मेरे पास वाणी नहीं है। बात मेरी समझ रहे हो? तो अंदर तुम्हारे शब्द होते हैं, ओंकार भी अंदर शब्द होता है, ओम ओम अंदर शब्द होता है, घंटा बजता है, बांसुरी बजती है, सारंगी बजती है, वीणा बजती है, वो अंदर के तुम्हारी प्रकृति के अनुसार शब्द है। जैसी जैसी तुम्हारे शरीर की प्रकृति है, वैसे वैसे शब्द तुम्हारे अंदर होंगे, सबके एक जैसे शब्द नहीं हो सकते। और फिर इन शब्दों से मन के शब्द हैं, यहाँ तक भंवर गुफा तक मन के शब्द हैं, उसके ऊपर पांच शब्द जो हैं ये मन के हैं, जो संत देते हैं पांच शब्द का अभ्यास करवाते हैं, कई संत पांच शब्द देते हैं, कोई सात शब्द देता है, कोई एक शब्द देता है, कोई पता लगता है, नाम भी तो बड़े हैं ना, पता है क्या क्या नाम है। संत ताराचंद जी महाराज ने बताया, परमदयाल जी महाराज को जब ये वहाँ गए तो ताराचंद ने कहा, महाराज मैं कबीर पंथी डेरे में गया, संत ताराचंद जी दनौद वाले, भिवानी वाले, तो वहाँ एक औरत मैंने माता देखी बड़ी मस्ती में, बात नूर बड़ी मस्ती, तो मैंने उसको पूछा, माता तुमने नाम कहाँ से लिया? कहती महाराज जी से नाम लिया है। तुम्हें क्या नाम दिया था महाराज जी ने? बकरी के तीन टांग, बकरी के तीन टांग, बकरी चार टांग होते हैं ना, उन चार तीन टांग है। कहती महाराज जी मैं तो उसी का स्मरण करती हूँ, मेरा प्रकाश खुल गया। वो गए उस साधु के पास, गए कबीर पंथी के पास, ओ महाराज आपने उस बीबी को क्या नाम दे दिया? कहता क्या बताऊ, हर रोज आती थी, बाबा जी मैनू नाम दियो, बाबा जी मैनू नाम दियो, रोज तंग करती थी, मैंने कहा जा बकरी के तीन टांग, उसने उसी को नाम समझ लिया। बताइए तो क्या नाम हुआ? नाम केवल मन को इकट्ठा करने के लिए है, चाहे राम राम से करो, चाहे हरे कृष्णा से करो, राधा स्वामी से करो, वाहेगुरु से करो, अल्लाह अल्लाह जो मर्जी कर लो, मन को इकट्ठा करना। ये नाम जो गुरु देते हैं ये केवल मन को इकट्ठा करने के लिए हैं, ये तुम्हें वहां नहीं पहुंचाएंगे। वहां वो शब्द अलग है, वो सार शब्द है,
वो ये कान नहीं सुन सकते ना, वो सुप्त के कान उसको सुनते हैं। हमारे शरीर में चार तरह के कान हैं, एक मेरे शरीर का कान है, एक मेरे मन के कान है। मन के कान तो आप सभी समझते हो, जब तुम सपने में चल जाते हो तो वहां ये कान थोड़ी होते हैं, बताइए। सपने में तुम खाते भी हो, तुम सुनते भी हो, तुम बोलते भी हो, तुम्हारा पूरा शरीर होता नहीं सपने में, लेकिन ये तो लंबा प्यार होता बिस्तरे में, तुम बाहर होते हो तो है ना, तुम्हारा एक और शरीर है। आगे आत्मा है, आत्मा के भी कान हैं, आत्मा के भी आंखें हैं, वो प्रकाश देखती है और शब्द को भी सुनती है। अब आपको मैं क्या कैसे एग्जांपल समझाऊं, कैसे समझाऊं आपको कि आत्मा की भी आंख है, आत्मा भी सब कुछ जानती है, वो भी है, ठीक है। उसके आगे भी सुरत है हमारी, हम जो तुम हो उसके भी कान है, उसकी भी आंखें हैं, वो पूर्ण है। ये शरीर पूर्ण नहीं है, ये शरीर क्या है, 14 कला है, इसमें 5 कर्म नहीं है, 5 ज्ञान नहीं है, 10 मन चित्त बुद्ध अहंकार, 14। लेकिन वहां क्या है, वहां प्रकाश भी है और वहां शब्द भी है, 16। वो 16 कला संपूर्ण है तुम, जो तुम्हारा अपना रूप है। तो वहां जाने से एक शब्द पैदा होता है, उसको केवल तुम्हारी श्रुत सुन सकती है, उसको कहते हैं सार शब्द। वो है सार शब्द जो ऊपर से आया, धुर की वाणी आई जिन सगली चिंता मिटाई। वो धुर की वाणी आती है, वो कोई चिंता नहीं रहने देती। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, पढ़ो यही लाइन दोबारा, कहे कबीर सुनो भाई साधो शब्द लखे सोई तैया। अरे कौन करेगा, भव सागर से, भव मीन हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा जीवन, जिंदगी। जिंदगी में क्या है, ख्याल है, कल्पनाएं हैं, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, यही है ना। और जिंदगी क्या है, ये हो जाए, 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 ये क्या, यही जिंदगी है और तो कुछ है नहीं। और वहां जिंदगी नहीं है, वहां वो है, तुम हो। जिंदगी और है, तुम्हारी हस्ती और है। जिंदगी को खुशी से गुजारो, हस्ती को प्राप्त करने की कोशिश करो, किसी गुरु की शरण लो, किसी किसी निर्बंध की शरण लो, किसी निर्लेप से मुलाकात करो, उसके साथ अपने विचार विमर्श करो, तुम पार हो जाओगे। और वो पार होने के लिए केवल एक शब्द है, और वो भी तुम्हारे अपने अंदर है। क्या कहा मैंने, तो फिर पढ़ दो ये सारा शब्द, फिर दोबारा पढ़ दो। अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, गढ़े देव को सब कोई पूजे, नित ही लावे सेवा, पूरन ब्रह्म अखंडित स्वामी ताको न जाने भेवा, दस अवतारे निरंजन कहिए सो अपनो ना होई, ये तो अपनी करनी भोगे करता और न कोई, अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए इन से लागी काई, इन्हें भरोसे मत कोई रहियो इन्हों मुक्ति न पाई, अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, जोगी जति तपी सन्यासी आप आप में लड़िया, कहे कबीर सुनो भाई साधो शब्द लखे सोई तैया, अनगढ़िया देवा कौन करे।
बहुत कुछ कह दिया, छोटे में ही मैं तुम्हें भटकना नहीं डाला कि तुम भटको, इधर जाओ उधर जाओ, ठहरो अपने आप में, ठहरो अपने आप को, देखो तुम कौन हो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम ठहर जाओगे, तुम्हें अंदर ही शांति मिलेगी, तुम्हें अंदर ही आनंद मिलेगा, तुम्हें अंदर ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, फिर काहे के लिए भटकना। मेरी आप सबके लिए शुभकामना, और मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ, क्योंकि मनोकामना है ना, कि तुम्हारी जो भी कामना है मालिक तुम्हारी कामना पूरी करे, चाहे वो संसारिक कामना है, चाहे वो व्यवहारिक कामना है, चाहे वो मालिक को मिलने की कामना है, ये तो तुम जानो, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारी कामना मेरा सदगुरु पूरी करे और तुम सुखी रहो, आनंदित रहो। आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।